वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो सीन कुछ यूं है कि मैंने लेने जाना था अंकल को और वो अमेरिका से पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर पहुंच गए। पड़ा हुआ है तो मैंने सोचा कि हम लोग अपनी मैक मिनी की अनबॉक्सिंग कर लें, जो कि स्पेशली अंकल से मैंने अपने व्लॉगिंग सेटअप के लिए मंगवाया है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, प्यारा, खूबसूरत। और व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में मैं ये पहला व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और अभी कुछ देर में हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए और उनको रिसीव करेंगे और अगला एक हफ़्ता इंशाल्लाह हम लोग उनको यहाँ पे पाकिस्तान में होस्ट करेंगे। और मैं अपने घर पे मौजूद नहीं हूँ इस टाइम, मैं लाहौर गुलबर्ग के एक होटल में मौजूद हूँ। अगले एक हफ़्ता हम लोग इंशाल्लाह यहीं पे गुजारेंगे और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है, तो मेरे साथ रहिए। जी तो मेरे जो मेहमान हैं वो एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं और अब जो हूँ मैं बस निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए, तो वहाँ पर जाके आपको उनसे मिलवाते हैं। तो सीन कुछ यूँ है कि मैंने लेने जाना था अंकल को और वो अमेरिका से पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर पहुँच गए और मैं हमेशा से लेट लतीफ अभी रास्ते में हूँ, तो देखते हैं वहाँ पर जाके उनके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ अपने अंकल को, ढूंढ रहा हूँ, देखें देखें कब नज़र आते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अब हम लोग घर जाके आपसे बात करते हैं। जी तो सीन कुछ ऐसे हैं कि मैं अंकल को ले आया एयरपोर्ट से और अब हम लोग जो हैं होटल में मौजूद हैं और अभी सहरी में तकरीबन कोई 1.5 घंटा पड़ा हुआ है। अभी रात के 2:40 हुए हैं और सहरी में अभी तकरीबन कोई 1.5 घंटा पड़ा हुआ है, तो अभी हम लोग ग्रीन टी पीने लगे हैं। इनकी ग्रीन टी बहुत मज़े की है, तो ग्रीन टी इनकी पीने लगे हैं। ग्रीन टी पी के फिर उसके बाद सहरी का वेट करेंगे। मुझे वो मोरक्को वाला सीन ही याद आ गया था। डू यू रिमेम्बर कि मोरक्को वाले लोग जो हैं वो जिससे जितनी चाह करते हैं उतना उसको ऊपर ऊपर से डालते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर से डालना महंगा पड़ने लगा। इनकी चाय बहुत अच्छी है अंकल, मैंने बड़ा इन्जॉय किया जब मैं आया ना। अगर आपने अपने गले को थोड़ा सा सेट करना है तो चाहे थोड़ा सा लेमन भी डाल लें, या मेरे ख्याल में लेमन इसके अंदर ही फेंक देते हैं। और इसमें एक एक चम्मच ठीक है। ये अंकल क्यों काम का लिफाफा? आपने बर्फ लेने जाना सुबह? सो अंकल आपको लग रहा होगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई, क्योंकि मैं बिल्कुल फर्क महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे जहां से गया था फिर मैं वहीं आ गया, जहां पे गया था वहीं वापस आ गया। और आपको लग रहा होगा कि मैं अपने SBN से मिल लिया मैंने, बिल्कुल जैसे हम लोग छोड़ा था। अच्छा अंकल आपको एक बात बताऊं, बड़ी मतलब मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जब ब्लॉग शुरू करूँ ना, ब्लॉगिंग शुरू करूँ, तो अगर मैं अपने किसी भी मतलब जिससे मैं प्यार करता हूँ, मतलब जो भी पहला बंदा मेरे ब्लॉग में आए ना, वो आप हो। पर अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आप आ गए। मतलब मैं पिछले कुछ दिन से इफ्तारी प्लान कर रहा था अपने दोस्तों के साथ कि मेरे दोस्त आए और उनके साथ करूँ, लेकिन बस अल्लाह ताला को यही मंजूर था, मैं उसको चेंज करता रहा। जनता माफ नहीं करेगी। डॉलर दिखाएं, कल डॉलर दिखाएं, कितने डॉलर आएंगे? ओए मैं अमीर हो गया यार। मेरी केबल्स जबरदस्त। और इनसे आप क्रिकेट खेल लो। ओ अमेरिकन सुन रही तो सुनी थी, अमेरिकन सेब, अमेरिकी सेब। सही हो गया, चले इसे ये सैरी में खाएंगे इंशाल्लाह।
घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2-3 घंटे थे ये सारी चीजें लेने के लिए, मेरे पास और कोई टाइम नहीं था शॉपिंग करने का। आपको पता है जब मैं शॉपिंग कर रहा था, जब मैं आपको जा रहा था, मालूम कर रहा था चीजें, अगर आपको पता है मुझे क्या चाहिए। वो क्या? लैपटॉप चाहिए। सही पकड़े हैं। अंकल वैसे क्या हम लोगों ने किया, आते ही हमला कर दिया, चीजें खोलनी शुरू कर दी। मेरा काम ही होता है भाई, सदस्य है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आप अपना काम करें, मैं अपना व्लॉग करता हूँ। तो सीन ये है कि आप लोगों ने, जब आप लोग मेरा व्लॉग देखेंगे तो आप लोग उसके पहला हिस्सा और अभी जो बात का हिस्सा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी लैंग्वेज में फर्क पता चल जाएगा। और ये ऐसा तभी होता है जब हम लोग किसी से प्यार करते हैं और हम लोग उससे मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जिस्म में एनर्जी आ जाती है और हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होती है या जो हमारी मतलब फेस में जो स्माइल होती है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सहरी में कुछ टाइम पड़ा हुआ है तो मैंने सोचा कि हम लोग अपनी मैक मिनी की अनबॉक्सिंग कर लें, जो कि स्पेशली अंकल से मैंने अपने व्लॉगिंग सेटअप के लिए मंगवाया है, क्योंकि मैं व्लॉगिंग के लिए आईफोन 14 प्रो मैक्स यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास लैपटॉप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वाला था। तो एक बड़ी मुश्किल होती है एप्पल में से डाटा विंडोज़ में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब बाय द टाइम इसको हम लोग पूरे एप्पल इकोसिस्टम पे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो है मैक मिनी, इसका मॉडल M2 है, मैक मिनी विद M2 चिप, और इसके स्पेक्स हैं 8-core CPU, 10-core GPU, विच विल बी बीस्ट फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, एंड रैम इसकी जो है वो 8GB है और 512 स्टोरेज है। तो मेरा ख्याल है कि मेरे व्लॉगिंग सेटअप के लिए मुझे काफ़ी मदद देगा। और ये अनबॉक्सिंग के साथ साथ जो लोग इसमें मैक 2 मिनी के मुतालिक जानने में इंटरेस्टेड है उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी और शायद मुझे आपकी तरफ से भी कोई अच्छा मशवरा मिल जाए। और रही बात इसकी अनबॉक्सिंग की, तो एप्पल की प्रोडक्ट्स अनबॉक्स करने का फ़ायदा कोई भी नहीं है, क्योंकि पता होता है सिर्फ एक चिप एक होती है डिवाइस और एक होती है तार, वो वही हिसाब होता है सरदारों वाला। जो एक सरदार जी को एक पैडल मिलता है तो कोई पूछता है सरदार जी अदा की करोगे, कहना मैं साइकिल लो आलांगा। तो इसके लिए भी हमें चार्जर अलग से ख़रीदना पड़ता है और बाकी सारी इक्विपमेंट अलग से ख़रीदनी पड़ती है। एप्पल वाले अल्लाह का वास्ता है कि साढ़े तरह रैम कर दो। अब इस सेटअप को मुकम्मल करने के लिए मुझे 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, मॉनिटर, एप्पल का कीबोर्ड, माउस। जी तो हमारा सहरी का टाइम हुआ चाहता है और हमारी सहरी आ गई है। अंकल क्या क्या आया सहरी में? ये आ गया हमारा ऑमलेट, ये आ गए चने, साथ में आ गई चाय, साथ में 3 पराठे। वो समझ रहे हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, उनको नहीं पता कि यू आर नाउ अमेरिकन। तो अब हमारा जो है सहरी का टाइम हो गया है, अब सहरी करेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। ओका।